हरिओम हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का ज़ेनयोगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 15 में मैं डॉक्टर रामनानी हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के व्याख्यान में हमने देखा अध्याय पांच में हमने क्या देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर सहरजी हमें बताते हैं नींद के बारे में, क्या हम सोएं और कितना, उसका उन्होंने शीर्षक ही वो रखा था क्या हम सोएं और कितना सोना चाहिए हमें। तो उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम नींद को विभाजित कर सकते हैं, 6 प्रकार की नींद को, और उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि जो हमारे मन में सनक होती है बहुत सारे लोगों के मन में कि 8 घंटा सोना बहुत ही अति आवश्यक है, उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है जैसे, तो उन्होंने वो सनक को निकाल दिया और कहा कि अगर क्वालिटी जो है आपकी, जो स्लीप की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी स्लीप की क्वांटिटी के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब है उन्होंने स्पेशली बताया कि 6 प्रकार की, विभिन्न प्रकार की स्लीप को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विभाजन कर दिया। 2 वो जो सबसे बहुत ही लाभदायक है, पहली 2 प्रकार की वेरी इंटेंस और इंटेंस, और फिर एक सामान्य नींद थी जिसमें कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई हानि नहीं होती है, और बाकी जो 3 प्रकार की है नींद है वो उसमें नुकसान होता है, थोड़ा कम नुकसान और ज्यादा नुकसान और ज्यादा नुकसान कारक नींद। तो इस प्रकार से हमने बताया कि रात का जो समय है 11 से लेकर 5 बजे तक वो अति आदर्श समय है सोने का, और उस वक्त हमें सोना चाहिए। तो अगर हमारी नींद का पैटर्न ऐसा है कि हम उसके अलावा कुछ सोते हैं तो डॉक्टर सहजी यहाँ पे इस चैप्टर में रिकमेंड करते हैं कि हम अपने स्लीप को उस पीरियड के दौरान लेके आना चाहिए जैसे हमारा स्लीप हो 11 और 5 के बीच में हो। तो उन्होंने उसका तंत्र बताया कैसे आप अपनी नींद को धीरे धीरे कम करें, कितने कालावधि में करना है, उसको हमने कल यहाँ पे पहले के व्याख्यान में कवर किया। और फायदा क्या मिलता है कम सोने का, फायदा क्या मिलता है, एक तो उस अवस्था में सो रहे हो, उस घंटों में सो रहे हो जहां पे आपकी, आपको स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा बढ़ती है आपकी इस नींद के दौरान, इसलिए कम सोने के बाद भी आप ऊर्जा आपकी मेंटेन रहती है, और इसलिए जो समय की बचत होती है, जो 8 घंटा सोने वाला अगर 6 घंटे में उसकी आपूर्ति हो जाए नींद में, तो 2 घंटे जो बचत होती है उसका हम योग्य इस्तेमाल कर सकते हैं, उन अभ्यासों उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें लेके जाएगा उस CCS की अवस्था की तरफ। तो इसलिए समय की बचत होती है जिसका हम योग्य इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार डॉक्टर सहजी इस चैप्टर में बताते हैं कि कितना हमें सोना चाहिए और क्या हमें सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। अब आगे के चैप्टर में हमने देखा विस्तारशील चेतना, एक्सपांडिंग कॉन्शियसनेस के बारे में बताया। यहाँ पे जीवन और चेतना ये तो पर्यायवाची शब्द दिखते हैं ऐसा दिखाया, लेकिन बिना जीवन के चेतना का कोई अर्थ नहीं और बिना चेतना के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। और फिर अलग अलग प्रकार की चेतना बताई, किसे जगत प्राणी है, पूरी जो सृष्टि है, अलग अलग जीव जंतु है, तो उनमें किस प्रकार से चेतना होती है, बिल्कुल अति सूक्ष्म चेतना होती है खनिज पदार्थों में, फिर उससे थोड़ा बेटर होती है प्लांट्स में, और फिर एनिमल्स में और अच्छी चेतना होती है, और हम इंसानों में तो उससे भी ज्यादा प्रगत चेतना होती है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हम सबसे क्या है, श्रेष्ठ है, हमारे से ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन अगर हम जाएंगे ब्रह्मांड की चेतना देखेंगे तो हमारे से वो कहीं ज्यादा है, लेकिन हमें वो समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमारे जो तंत्र है उसके अवलोकन करने की क्षमता कम है या हम उतना अध्ययन नहीं कर पाते, इसलिए हमें उस चेतना के बारे में जानकारी नहीं है जो ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा चेतना है हमारे मनुष्यों के पास। तो वो बता रहे हैं डॉक्टर सहजी, और फिर बता रहे हैं इस चैप्टर में कि किस प्रकार से अलग अलग मनुष्य होते हैं जिनकी अलग अलग नेचर होता है, उनका स्वभाव अलग अलग होता है, क्यों होता है, ये स्वभाव इसलिए अलग नहीं होता है कि हम लोग अनुवांशिक कुछ लेके आए, हम अपने माता पिता से कुछ लेके आए अपने स्वभाव को, नहीं, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, नहीं वो आपके वातावरण के ऊपर निर्भर करता है, नहीं आपकी वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, बट ये निर्भर करता है कि आपके रेट ऑफ फ्लो ऑफ लाइफ क्या है, यानी जीवन के प्रवाह की गति क्या है, चेतना के प्रवाह की गति क्या है, और फिर वो चेतना की अवस्था जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण मूल तत्व, जो हमें नींद की अवस्था में भी हमारे को दूसरों के साथ संपर्क बनाए रखता है, जबकि पंच ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल शांत होती है नींद की अवस्था में, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि आज मैं अच्छा सोया, आज मुझे लगता है 8 घंटा मैं सोया, तो ये किसको जानकारी होती है, हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण मूल तत्व है जिसको कहते हैं आत्म तत्व। तो
तो एक शरीर है, एक जीवन है, एक चेतना है और एक आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व तो समझो वो एक मोमबत्ती है, जिसका एग्जांपल बताया था आपको कि अंधेरा कमरा हो और मोमबत्ती हो, उसकी रोशनी में हमें आजू बाजू में क्या घट रहा है उसके बारे में, अंधेरे और रोशनी के बीच में हमें फर्क महसूस होता है। तो इस प्रकार से बताते हैं इस चैप्टर में कि किस प्रकार से जीवन चेतना का क्या संबंध है। यहाँ पे हमने देखा, आज हम सातवें चैप्टर पे जाएंगे और देखेंगे कि श्वसन और उसका चेतना व जीवन के साथ क्या संबंध है। अब तक हमने चेतना और जीवन का संबंध देखा, अब हम देखेंगे कि श्वसन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जो शुरू कब होती है, जब हम पैदा होते हैं, और खत्म कब होता है, जब हमारी मृत्यु पहले सांस से शुरू होती है और अंतिम सांस तक ये सांस चलते रहती है हमारे साथ, तो उस श्वसन का आपके जीवन और आपकी चेतना यानी जागरूकता अवेयरनेस के साथ क्या संबंध है, वो इस चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे। वो बता देंगे चेतना व जीवन के सभी रूप चाहे निचले या ऊंचे जीवन व्यापन करते हैं एक विशेष और अलग तरीके के श्वसन द्वारा, और इस तरह आने वाले आवेगों का संकेतन व विसंकेतन करते हैं और बाहर जाने वाली प्रतिक्रियाएं जिसे कहते हैं विचार। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर से कुछ न कुछ क्या है, कोडेड इंपल्स आते हैं हमारे शरीर के अंदर, तंत्रिकाओं के माध्यम से वो जाते हैं कहां पे, हमारे ग्रे मैटर में, मस्तिष्क के क्या जाते हैं, ग्रे मैटर में, वहां पे जाके कुछ फिक्स स्पॉट्स को हिट करते हैं और उससे क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया यानी विचार निर्मित होते हैं। तो ये सांकेतिक यानी कोडेड इंपल्स है, उसको क्या किया जाता है, डीकोड किया जाता है, और वो डीकोड किया हुआ इंपल्स है, इसको कहते हैं हम विचार। तो ये बाहर से आते हैं, तो श्वसन भी क्या है, एक माध्यम है जहां से हम क्या करते हैं, बाहर के सांकेतिक कोडेड इंपल्स को अंदर लेते हैं और वो जाता है ब्रेन में और वो डीकोड होकर विचार का निर्माण करता है। यह सृष्टि की सभी रचनाओं के लिए सत्य साबित होता है, यानी वो जो कम से कम छोटे से छोटा प्राणी है या मनुष्य है, सभी रचनाएं यानी जो भी जीवित प्राणी है सबके लिए ये चीज लागू होती है। सृष्टि की सभी रचनाओं में जीवन व चेतना अनेक अवस्थाओं में निहित है, अनेक अवस्थाएं, इसीलिए भिन्नता है इंसानों में, क्योंकि चेतना की अलग अलग अवस्थाएं, किसी में बहुत कम चेतना होती है, मनुष्यों में भी, ये अलग बात है कि प्राणियों के मुकाबले हमारे पास चेतना ज्यादा है, लेकिन मनुष्य को भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो कुछ मनुष्य होते हैं जिनमें बहुत कम चेतना होती है, कुछ मनुष्य में और अधिक, और कुछ ऋषि मुनियों में तो चेतना का बहुत अधिक प्रगत अवस्था होती है। तो उसके हिसाब से भी हमारा नेचर जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो वही कह रहे हैं कि अनेक अवस्थाओं में चेतना होती है हमारे मनुष्यों के अंदर भी। जीवन के सभी सामान्य कार्यों के लिए श्वसन परम आवश्यक है, कोई भी कार्य करना हो तो सांस तो चाहिए। ऐसा कहते हैं कि खाने के बिना आप 90 दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन सांस के बिना 4 मिनट भी अगर नहीं रहे ना, आप सांस नहीं लोगे तो जिंदा रहना इम्पॉसिबल बात है। जीवन व श्वास यद्यपि कि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं लगते, हालांकि वे लगते हैं, एक साथ आते हैं, जन्म पे और मृत्यु पे एक साथ जाते हैं। जीवन और ये श्वास है एक दूसरे के एक्चुअली वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में आते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं उसी के साथ हमारा श्वास शुरू होता है, और जैसे ही हम लोग यहां से विदा होकर जाते हैं इस पृथ्वी से, हमारा सांस भी उसके हिसाब से वापस चला जाता है। जीवन और सांस का बहुत गहरा संबंध है। तो फिर श्वास का जीवन से क्या संबंध है और श्वास का उद्देश्य क्या है? मेडिकल साइंस में हमको दिखाया जाता है कि श्वास का उद्देश्य है कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो खाली वो उद्देश्य नहीं है, उससे कहीं गहरा उद्देश्य है, वही इस चैप्टर में हमें डॉक्टर सहर्जी बताने वाले हैं। हमें यह समझाया जाता है कि श्वसन तंत्र को एक विशेष कार्य करना होता है, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में। यह हमने शरीर शास्त्र में देखा था, जब हम योग परिचय का वर्ग करते थे तो शरीर शास्त्र की व्याख्यान, अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप फेफड़ों की पढ़ोगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि हमारा हृदय है, क्या है हमारा यहाँ पे हृदय है, हृदय के बाजू में क्या है, दो फेफड़े। तो हृदय जो है ना, अशुद्ध रक्त, हृदय को अशुद्ध रक्त आता है आपके दाहिने साइड में। हृदय के दो प्रकार साइड होते हैं, एक दाहिना साइड एक बायां साइड। तो दाहिने साइड में हमारे पूरे शरीर का जो भी अशुद्ध रक्त होता है ना, हमारा हृदय शुद्ध रक्त सप्लाई करता है पूरे शरीर की कोशिकाओं को, वो उसमें से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अशुद्ध रक्त जो होता है वो हृदय के दाहिने चैंबर में आता है और वहां से वो फेफड़ों में भेजा जाता है, किसके लिए, शुद्ध होने के लिए, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और फेफड़ों में क्या आती है, हम जब सांस लेते तो
ऑक्सीजन अंदर आती है और वो ट्रांसफ्यूज होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से रक्त को शुद्ध किया जाता है और फिर वो बाएं चैम्बर में आता है और उसको फिर पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए जो फेफड़ों का सबसे सूक्ष्म जो तंतु है यानी जो कोशिका है उसको कहते हैं वायु कोश। तो वायु कोश में ये हवा हम अंदर लेते हैं, वो शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, उसका संपर्क होता है इसके माध्यम से नसों से, यानी ब्लड ब्लड वेसल से, जो कि इम्प्योर ब्लड आता है हृदय से फेफड़ों में, वहां पे उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया जाता है, इस प्रकार से रक्त को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कार्य तो है ही, यानी इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से जो ब्लू लाइन देखते हैं राइट साइड में वो क्या है, अशुद्ध रक्त है, और जो रेड लाइन है यानी रेड कलर है वो क्या है, शुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों में, शुद्ध होकर आता है वापस हार्ट में और फिर वो पूरे बॉडी को सप्लाई किया जाता है। लेकिन श्वसन तंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अंग है, ये तो है कि फेफड़े तो है, ये श्वसन तंत्र का ही अंग है फेफड़े, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अंग है जो कि मेडिकल जब हम पढ़ते हैं मेडिसिन, यानी पहले साल में हम जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं मेडिकल स्टूडेंट, तो उसमें भी वो ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता बिकॉज उसके कोई ज्यादा विकार होते नहीं, उसको कहते हैं एक पर्दा जो आपकी छाती की गुहा को यानी जहां पे फेफड़े हैं और आपकी पेट की गुहा को जहां पे सारे ऑर्गन्स हैं लिवर स्प्लीन वगैरह उसको अलग करता है, उसको कहते हैं श्वसन पट्टल, या तो कहते हैं उसको मध्य पट, या उसको कहते हैं डायफ्राम, डायफ्राम कहते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं ना, ये जो छाती की पसलियां हैं, यहाँ पे क्या है पसलियां, ये पसलियां थोड़ा बाहर और ऊपर खींच जाती हैं और आपका जो श्वसन पटल है जो पर्दा है छाती और पेट को अलग करता है वो नीचे आ जाता है। तो उससे क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है बाहर की हवा, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है हवा अंदर खींच के आती है और इस प्रकार हम सांस लेते हैं। और यही क्रिया उल्टी होती है, जब हम सांस छोड़ते तो क्या होता है श्वसन पटल ऊपर चला जाता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि कैसे श्वसन पटल नीचे आता है और जब सांस छोड़ते हैं तो श्वसन पटल ऊपर चला जाता है और छाती की जो पसलियां है वो अंदर और अंदर की तरफ जाती है और नीचे की तरफ जाती है। तो उससे क्या होता है, एक दबाव निर्माण होता है फेफड़ों के ऊपर जो कि हवा को क्या करता है बाहर फेंक देता है, जैसे लोहार की धौंकनी होती है, लोहार की धौंकनी होती है, देखा है आपने, इस प्रकार से लोहार की धौंकनी होती है जो हवा को क्या करती है प्रेशर के साथ बाहर फेंकती है। तो इस प्रकार से वैक्यूम क्रिएट होता है सांस अंदर आती है और पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है सांस बाहर जाती है। लेकिन इसका महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है, आपका श्वसन पटल जो क्या करता है, पर्दा है जो आपके छाती को और पेट के अंगों को क्या करता है अलग करता है। रक्त का शुद्धिकरण ही श्वसन का एकमात्र कार्य नहीं है, ये ऐसा मत समझो कि भगवान ने बस श्वसन का एक ही कार्य बना दिया है, जो हमको लगता है सांस का कार्य क्या है बस रक्त को शुद्ध करना, वो इतना सिंपल कार्य नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अर्थव्यवस्था यानी जिसको कहते हैं इकोनॉमी है ना, पर प्रकृति की पुरानी मास्टरी है, प्रकृति ही जो है ना नेचर कोई भी चीज बनाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। और हमारे इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे इतना ख्याल देश के पैसा बचाने के, उसको मालूम है कि किस प्रकार से हमें किफायत के साथ चलना है, कि एक ही तंत्र को कुछ और कार्य भी दिए, सिर्फ रक्त का शुद्धिकरण नहीं और महत्वपूर्ण कार्य दिए। प्रकृति ने चुपचाप मनुष्य को प्रत्येक श्वास के साथ जीवन का सार लेने की भी व्यवस्था की, ये श्वसन यानी कि हमारे जीवन का सार है जो हम अंदर ले रहे हैं हवा के माध्यम से, तो वो भी व्यवस्था की है। प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि हर श्वास के साथ प्राणवायु के साथ कुछ और ज्यादा लेने की क्या है, श्वास में प्राणवायु माने क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो लेते हैं ऑक्सीजन तो लेते ही हैं और ऑक्सीजन से आपका ब्लड शुद्ध होता है, ये भी बात सही है, लेकिन और भी कुछ हम उसके साथ लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। श्वसन के दौरान हम अनेक बाहरी तत्वों को अपने तंत्र में लेते हैं, बाहर के जो तत्व है ना उसको हम अंदर अपने तंत्र में लेते हैं, ये होते हैं आवेग, इसको कहते हैं इंपल्सिस, जैसे आपको मैंने कहा था कोडेड इंपल्सिस जो पहुंचते हैं हमारे अंदर के तंत्रिका केंद्रों में, ग्रेव पदार्थ को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के कारण बनते हैं, यानी आते हैं बाहर से, जो भी हम देखते हैं पंच ज्ञानेंद्र के माध्यम से, आंखों से कुछ देखा कानों से कुछ सुना, ये कोडेड इंपल्स हैं जो क्या जाते हैं हमारे सांस लेने की रक्त ये अंदर जाते हैं और क्या करते हैं वो
वो ही जाके ब्रेन को मस्तिष्क के ग्रे मैटर को क्या करते हैं, वो हिट करते हैं और उससे क्या होती है प्रतिक्रिया यानी विचार निर्मित करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट तंत्र है, यानी श्वसन के माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं कोडेड इंपल्स को अंदर ले रहे हैं, खाने के माध्यम से भी लेते हैं, श्वसन के माध्यम से भी लेते हैं और पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी हम उसको अंदर लेते हैं। अथवा क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में, हम ग्रहण करते हैं सांकेतिक यानी कोडेड आने वाले आवेगों को और मस्तिष्क केंद्र देते हैं विसंस्थित विचार। जैसे ही कोई कोडेड इंपल्स आया ब्रेन से टकराएगा, विचार निर्मित होंगे। तो जितना ज्यादा गति से आएंगे यानी जितनी आपकी सांस की गति ज्यादा होगी उतने ज्यादा क्या होंगे कोडेड इंपल्स अंदर जाएंगे और उतने क्या होंगे आपके विचार ज्यादा निर्मित होंगे। उसी प्रकार जब हम खाते हैं और पीते हैं तो हम बाह्य तत्वों को अपने तंत्र में ले रहे हैं, जैसे सांस के माध्यम से बाह्य तत्वों को अंदर ले रहे हैं, इसी जब हम जब से खाते हैं या कुछ पीते हैं उस टाइम भी क्या होता है बाहरी तत्व हमारे अंदर जा रहे हैं, जो कहां जाएंगे फिर वही ब्रेन में जाएंगे, वही ग्रे मैटर को हिट करेंगे और वही क्या करेंगे विसंकेतिक विचारों का निर्माण करेंगे। ये भी आवेग है हमारे अंदर की तंत्रिका केंद्र तक पहुंचने वाले, जिससे ग्रे पदार्थ क्या करता है अल्टीमेटली इतना समझता है कि हमें कहां कहां से इंपल्सेस कोडेड अंदर आते हैं जो विचारों का निर्माण करना है, बिकॉज हमें उन्हीं के ऊपर अटैक करके वहीं पे उसको रोकना है। जैसे ज्यादा अंदर कोडेड इंपल्स जाए नहीं, हिट नहीं करे तो विचार कम निर्मित होंगे, विचार कम निर्मित होंगे तो हम ध्यान करने के योग्य बनेंगे, इसीलिए बोल रहा है बता रहे हैं यहाँ पे। अतः दूसरे शब्दों में हम ग्रहण करते हैं सांकेतिक आने वाले आवेगों को और मस्तिष्क केंद्र फेंकते हैं विसंकेतिक विचार। आप श्वास से अंदर लो या भोजन से अंदर लो अल्टीमेटली आपके विचार निर्मित होते हैं। अंततः उसी प्रकार से हम बाह्य तत्वों को के द्वारा सांकेतिक आवेग ग्रहण करते हैं अपनी स्पर्श की अनुभूति से, यानी बता रहे हैं एक तो सांस, दूसरा भोजन यानी जुबान से लिया अंदर, ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास और कौन सी ज्ञानेंद्रिय है आंखों की, फिर त्वचा की, फिर कान की और फिर नाक की, ये जो ज्ञानेंद्रिय बाकी ज्ञानेंद्रिय है इसके माध्यम से भी क्या आ रहा है कोडेड इंपल्स अंदर जा रहे हैं, ग्रे मैटर को हिट कर रहे हैं और विचार। इसके अलावा और भी कुछ है, क्या है साथ ही साथ चुंबकीय मैग्नेटिक विद्युतीय इलेक्ट्रिक और ब्रह्मांडीय कॉस्मिक इंपल्स भी रहते हैं जो ब्रह्मांड से आते हैं, यानी मैग्नेटिक ये अति और भी प्रकार के आवेग है जो हमारे अंदर भीतर हम लेते हैं और उससे हमारे विचार निर्मित होते हैं। तो कितने प्रकार के आवेग हम अंदर से लेते हैं, एक तो श्वास से लेते हैं, दूसरा भोजन से लेते हैं, तीसरा आंखों से, कानों से, नाक से, त्वचा से और फिर चुंबकीय इलेक्ट्रिक और कॉस्मिक, ये सब आवेग हैं जो अंदर जाते हैं ब्रेन से टकराते हैं और विसंकेतिक विचार निर्मित होते हैं। ये सभी सांकेतिक आवेग पहुंचते हैं हमारे अंदर के तंत्रिका केंद्रों में और फिर ग्रे पदार्थ देता है प्रतिक्रिया, यानी वो नसें जैसे आपको पता है नसों में जाते हैं, नसों के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचते हैं और वहां पे प्रतिक्रियाएं होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में अंदर के मस्तिष्क के केंद्र भेजते हैं विसंकेतिक विचार ऐसे सांकेतिक आवेग के ग्रहण करने में। जैसे ही वो सांकेतिक आवेग आया इमीडिएटली क्या होता है उसकी प्रतिक्रिया विचार निर्मित होंगे। हमें भोजन की भूख के साथ साथ भावनात्मक मानसिक और सेक्स की भूख भी होती है। भोजन की भूख तो है ही, लेकिन हमारे तीन महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं चित्त, जिसको कहते हैं मन का विभाग एक या तो खंड एक, उसमें तीन महत्वपूर्ण कौन से केंद्र है भाई IESM। तो जिस प्रकार से हमें भोजन की भूख होती है इस प्रकार से हमें मानसिक यानी आय केंद्र की भूख होती है, भावनात्मक यानी ई केंद्र की भूख होती है और सेक्स यानी एस केंद्र की भी भूख होती है जो हमें अंदर लेजर ग्रहण करते हैं और जिससे क्या होता है इन्हीं केंद्रों के ऊपर ये इंपल्सेस आते हैं, हिट करते हैं और इससे क्या होता है विचार निर्मित होते हैं, आवेग ग्रहण किए जाते हैं जैसे कि पहले समझाया गया है और वे आते हैं भोजन देने के लिए हमारी भावनात्मक मानसिक और सेक्स की भूख को, यानी आते हैं आवेग इन्हीं को ही सेटिस्फाई करते हैं, इन तीन केंद्रों को अल्टीमेटली जाके हिट कहां करेंगे इन्हीं तीन केंद्रों पर हिट करेंगे और उस प्रकार से आपके क्या होते हैं विचार निर्मित होंगे। जैसे कि भोजन के मामले में हम पाते हैं कि यहां पे हमें कुछ देखभाल करनी जरूरी चाहिए, जैसे भोजन में बताया गया आगे जाके भोजन में आपको देखभाल करनी चाहिए, वैसे ही इसी तरह से ये जो तीन आवेग ये तीनों केंद्रों को हिट करते हैं उस पे भी हमें क्या करनी चाहिए देखभाल करने की आवश्यकता है, यहाँ बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है इन आने वाले आवेगों के चयन में जो तैयार करते हैं भोजन हमारी इंसानी भावना बुद्धि और सेक्स की भूख के लिए।
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहीं पे हमको केयर लेनी है। यहाँ पे अगर हम बराबर केयर लेंगे कि किस प्रकार से ये आवेग जाने चाहिए, कितने अंदर आवेग जाने चाहिए जो हिट करें इन तीनों केंद्रों को और उससे विचार निकल के आएंगे, तो वहां पे अगर हमने रोकथाम की तो हमारे विचारों की श्रृंखलाओं को हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। उसी समय में जैसे कि हम भोजन लेते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसी तरह से हमें लेने चाहिए आने वाले भोजन के आवेगों को, और हमें नहीं रोकना चाहिए भावनात्मक और सेक्स की भूख के कुछ नकारात्मक प्रथाओं द्वारा। कुछ लोग कहते हैं कि सेक्स को दबाओ, सेक्स के प्रति ज्यादा सोचो मत, है ना, सेक्स के विचार मन में मत लाओ। जितना लोग कहता है मत लाओ उतने ही ज्यादा विचार आएंगे। तो ये क्या होता है, गलत प्रथाओं के कारण इनको दबाया गया है और हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति से इनको दबाएंगे तो ये हमेशा के लिए दब जाएंगे, लेकिन उल्टा होता है। जितना ज्यादा दबाओगे उतना वो ज्यादा उभर के बाहर आएंगे। तो सहर्जी कहते हैं इनको दबाओ मत, उनको अपनी भूख को सेटिस्फाई होने दो। ऐसे आवेगों के चयन का एक तरीका होता है, वो बता रहे हैं। हम नोट कर सकते हैं इनका आना, इनके प्रभावों को और इनके प्रतिक्रियाओं को, इन भूखों की संतुष्टि अथवा अतिभोग, भावनात्मक, मानसिक और सेक्स की भूख के संबंध में एक तरीका है जो हम आंक सकते हैं। इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग। ड्रिफ्ट वॉचिंग हमने क्यों किया कि कैसे कोई आवेग आया, कोई सेक्स का विचार आया और मेरे अंदर क्या हलबल हुई, क्या प्रतिक्रिया। जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो ही उसके ऊपर नियंत्रण आएगा। इसको जबरदस्ती जवाब नहीं नहीं मुझे तो आना ही नहीं चाहिए, मैं तो साधु महात्मा हूं, मेरे को सेक्स का कोई ख्याल आना ही नहीं चाहिए, ये विचार आया क्यों, ये फिर उसके ऊपर सोचने बैठ गए, तो इस प्रकार से आप उसको नियंत्रण नहीं कर पाओगे। आने दीजिए, उसको अध्ययन कीजिए, उसको समझिए और फिर उसका सुधारात्मक तरीके जो बाद में बताएंगे सहजी, उसका इस्तेमाल करने से हम उसको बदल सकते हैं। ये शामिल करता है अध्ययन को और तरीकों को, और इस अध्ययन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमारे प्राचीन ऋषियों ने नाम दिया था जेन अथवा योगा, जो मिलकर होता है ज़ेन-योगा। अब यही है ज़ेन-योगा का मीनिंग, अब आपको समझेगा यहां पे क्या है। और कुछ नहीं करना है ज़ेन-योगा में, करना क्या है, जैन योगा यानी क्या, एक जैन शब्द दिया था भगवान बुद्ध ने, योगा शब्द दिया पतंजलि मुनि ने, इन दोनों को मिला गया है जैन योगा। बताया जैन योगा का मतलब ये कि जो भी बाहर से आने वाले आवेग हैं, कोडेड इंपल्स हैं, और वो जाके हमारे ब्रेन को जो टकराते हैं और जिन माध्यमों से आते हैं, उन माध्यमों के ऊपर क्या करना है, उसका अध्ययन करना है और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही क्या नाम दिया गया है, ऋषि मुनि ने क्या नाम दिया। तो जैन योगा का मतलब क्या है कि जो भी कोडेड इंपल्स हमारे शरीर के अंदर हम ग्रहण करते हैं उनको नियंत्रित करना, जिन माध्यमों से वो आते हैं उनको क्या करना है, हमें नियंत्रित करना, इसको कहते हैं जेन योगा। क्या ये आवेग खुद को प्रस्तावित करते हैं हमारी भूख को तृप्त करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए, क्या वे हमारे निर्देशों के अनुसार आते हैं, यही है कारण मनुष्य से मनुष्य अलग होता है। ये हमारे निर्देशों के साथ नहीं आते, वो अपने आप आते हैं, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल अभी नहीं है, लेकिन जब उसका अध्ययन करेंगे तो उसके ऊपर क्या कदम आएंगे, हम कंट्रोल ला पाएंगे। अभी कोई कंट्रोल नहीं है और हम ऐसा सिलेक्ट भी नहीं कर सकते कि खाली आई केंद्र का विचार आना चाहिए, खाली ई केंद्र का विचार आना चाहिए, एस केंद्र नहीं, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन जब उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे तो उसका बदलाव अवश्य हम ला पाएंगे। यह बहुत साफ सरल तरह से समझे कि यह नियंत्रण हमारी इच्छा शक्ति द्वारा कभी संभव नहीं। हम चाहें कि हम कंट्रोल करें, हम करें नियंत्रित, मुझे केवल आए के सच्चे सच्चे विचार चाहिए, कोई इमोशनल विचार नहीं चाहिए, ऐसा इच्छा शक्ति से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना नियंत्रण के लिए ही पक्का रास्ता है सारे नियंत्रण को खो देना। जैसे ही आप जबरदस्ती उसको ऊपर इंप्लीमेंट करोगे कि मुझे ऐसे प्रकार के ही कोडेड इंपल्स चाहिए जो मुझे सेक्स के बारे में, इमोशंस के बारे में ज्यादा उत्तेजित न करें, और ऐसा इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो आप उसको नियंत्रण को पूरी तरह से खो जाओगे। सुधारात्मक तरीकों व अनुशासनों का इस्तेमाल करने से यह नियंत्रण संभव है। तो सिर्फ अवलोकन करना है, ध्यान देना है किस प्रकार से आते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करना है, करेक्टिव मेथड्स, जो कि चैप्टर दिया है अलग से 12वां नंबर चैप्टर दिया है डॉक्टर सहजी ने, जिसमें 12 चैप्टर में करेक्टिव मेथड्स क्या है जो आपको इस्तेमाल करने हैं, जैसे आप इन आवेगों को नियंत्रित कर पाए, इनके ऊपर अनुशासन लगा पाए, तो वो हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर करेक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया तो हम इन आवेगों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, विचारों की श्रृंखला क्या हो जाएगी, यानी इनको कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा विचार आए। ये जो रेशियो है, हमारा मूल रेशियो क्या है, IESM का बताया था 2482,
उसको हम बदल सकते हैं सुधारात्मक तरीकों का अपना के 5-2-2-1 जिसमें आपका आय केंद्र क्या होगा 5 होगा यानी फिर आपके क्या होंगे सच्चे और बुद्धि को बुद्धि वाले विचार मानसिक विचार आपके अंदर आएंगे और इमोशन और सेक्स के विचार क्या आएंगे कम हो जाएंगे यानी आय केंद्र आपका डोमिनेट करेगा ई और एस केंद्र के ऊपर सुधारात्मक तरीके और अनुशासन जब हमारी आदतें बन जाती हैं तो वो व्यक्ति को उस अनुभव के योग्य बनाती है जिसे प्रयास रहित प्रयास अथवा प्रयास रहित नियंत्रण कहा जाता है। अगर हमने सुधारात्मक तरीके अपनी जिंदगी में अपना ली जो डॉक्टर सहरजी बताने वाले और जो अभी तक बता भी चुके हैं कुछ कुछ तरीके हमको बता चुके हैं यानी नींद के बारे में बता चुके हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग के बारे में बता चुके हैं अब श्वसन और खाने के बारे में आगे जाके बताने वाले तो ये जो सुधारात्मक तरीके जब हमारी जिंदगी की आदत बन जाएगी जिसको हम कभी उसको छोड़ नहीं सकते उसी के साथ जीना सीखेंगे तो इसको क्या होगा हमारी जिंदगी का फ्लो क्या हो जाएगा प्रयास रहित प्रयास क्या कह रहे हैं वो प्रयास रहित प्रयास अथवा प्रयास रहित नियंत्रण यानी नियंत्रण लाने के लिए हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हम अपने आप नैसर्गिक रूप से रात को 11 और 5 के बीच में सोएंगे या दिन में इतना ही खाना खाएंगे जो पता है या 3-step rhythmic breathing हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी होगी जिसमें कोई हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि हम उसको प्रयास करके रोकें सेक्स को रोकें इमोशंस को रोकें नहीं क्योंकि तो आपकी अब क्या हो गई वो आदत बन गई तो वही कह रहे हैं डॉक्टर सहज जी कि इसको इच्छा शक्ति से नियंत्रण करने की जो बहुत सारे गुरु लोग कहते हैं अरे अपने मन में सेक्स के विचार लाना पाप है किसी दूसरे औरत के प्रति कुछ भी सोचना पाप अरे आता है तो क्या करें हम उसको कैसे कंट्रोल करें और जबरदस्ती उसको दबाएंगे तो फिर उल्टा और ज्यादा प्रतिक्रिया होती है तो वही कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल मत करें मुक्त इच्छा अलग बात है जिसको कहते हैं फ्री विल इच्छा शक्ति यानी जबरदस्ती उसको करना बहुत ही गलत होता है इच्छा शक्ति या व्यक्तिगत इच्छा का इस्तेमाल कभी नहीं देता किसी को कोई नियंत्रण कम से कम मानवीय कमजोरियों पर कितना भी दारू पीने वाले को समझाओ हमारे एग्जाम्पल अनेक एग्जाम्पल है हमारे आश्रम में आते हैं लोग दारू छोड़ने के हिसाब से आते हैं कहते हैं रहते हैं 10 दिन दारू छोड़ दिया घर जाते हैं 10-15 दिन में फिर उल्टा और फिर से दारू पीना शुरू यानी क्या किया जबरदस्ती उन्होंने उसको क्या किया कंट्रोल करने की कोशिश की वो कभी भी हम मानवीय कमजोरियां ये हमारी कमजोरी है ना जो कि एस केंद्र का खेल है सर ई केंद्र का खेल है और वही बताने वाले हैं इस चैप्टर में कैसे ई और एस केंद्र के चिकंजे में हम सारा दिन जकड़े रहते हैं तो उससे हमारा इन कमजोरियों से हम दूर नहीं हो पाएंगे बाल्य अवस्था से ही हम एकत्रित करते हैं बहुत महान सांचे साथ ही साथ कुछ आदतें खाने पीने नींद श्वसन और आने वाले सांकेतिक आवेग भावनात्मक बौद्धिक और सेक्स के यानी बचपन से ही हमने कुछ ना कुछ क्या किया है जो भी हम सराउंडिंग में रहते हैं वहां से हमने कुछ ना कुछ संस्कार डाले हैं अपने जिससे हमारी आदत बन गई है इस समय पे खाने का ये खाने का वो पीने का और फिर क्या है नींद की आदत पड़ गई है कैसे आदत पड़ गई पता ही नहीं बचपन में तो मस्त सोते थे है ना लेकिन अभी वो नींद की आदत बिगड़ गई है बचपन में सोते थे 7-8 बजे 9 बजे 10 बजे और अब 2-2 बजे तक सोते हैं तो ये क्या है हमारी आदतें बिगड़ चुकी है और वही सब हमारे क्या हो गया फिक्स पैटर्न बन गया हमारे माइंड में क्या हो गया वो एक फिक्स सांचा बन गया है जिसके हिसाब से हम बहते रहते हैं हर एक को अथवा इन सब को करने का एक गलत तरीका है और एक सही तरीका होता है ये आसान होता है गलत तरीके से करना उनको अधिक करके कोई भी चीज करने के लिए दो तरीके होते हैं या तो एक सही तरीका है या तो एक गलत लेकिन गलत तरीकों को हम इतनी आदत बन चुकी है हमारी कि वो हमारे लिए नैसर्गिक हो गया इसको हम इसलिए हमको करने को उसको क्या लगता है आसान लगता है जबकि सही तरीका इतना डिफिकल्ट लगता है कि हम उसको अपना नहीं पाते इसलिए बता रहे दो तरीके हैं लेकिन हम ज्यादातर क्या होता है इतनी बचपन से ही हमारे संस्कार ऐसे पड़ गए आदत ऐसी पड़ गई है कि हम उसको गलत तरीके से ही करने में उसमें हमको आनंद मिलता है हालांकि ये जब ये अजीब लग सकता है जब हम एक को गलत तरीके से किया जाता है हमें मिलता है कुछ प्रकार का दुष्टता पूर्वक सुख अथवा भौतिक संतुष्टि यानी जब हम कोई चीज गलत तरीके से करते हैं ना तो उसे एक प्रकार का सुख मिलता है एक संतुष्टि मिलती है जो हमें क्या लगता है उससे हमेशा के लिए जोड़ के रखता है और इतना वो आदत पड़ जाती है ना कि हम वो गलत तरीके से अभी भी करेंगे आगे जाके भी करेंगे तो गलत तरीके से ही करेंगे क्योंकि उसमें एक प्रकार का सुख मिलता है जो कि बहुत ही आदमी को पकड़ के रखता है उसे और उस शिकंजे से आदमी निकल नहीं सकता है ये संवेदना है
है ना, जो भगवान बुद्ध कहते हैं संवेदनाएं मिलती हमको, ये सुख की संवेदना है। और सुख सुखानुशय राग, पतंजलि मुनि का है कि सुख के पीछे पीछे दौड़ना उसको कहते हैं राग, दुख से दूर भागना उसको कहते हैं द्वेष। तो ये सुख की संवेदना यानी अनुभूति है जो हमें पकड़ के रखती है, क्या है उस आदत को हम छोड़ते ही नहीं, क्योंकि यहां से सुख मिलता है। ये संवेदना सुख की अथवा संतुष्टि की हमें कृत्य को दोहराने का भाव देती है, क्योंकि उससे वो सुख मिलता है ना, टेम्पररी सुख, दिखता नहीं हमको कि वो टेम्पररी है, लेकिन वो सुख मिलता है तो हम उस आदत को छोड़ते नहीं है। ये दोहराया हुआ कृत्य भी गलत तरीके से ही किया जाता है, जो हम दोहराते हैं ना कृत्य को, एक बार छोड़ दिया दारू फिर से पीना शुरू किया, फिर वही गलत तरीके से हम लोग उसी को करने लगेंगे और दुष्ट चक्र से हम कभी भी मुक्त हो नहीं पाते हैं। इन्हें बार बार दोहराने से हम गलत आदत का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों है कि गलत तरीके से किए हुए हर एक कृत्य हमें सुख प्रदान करते हैं, वही बता रहे क्यों हमें सुख प्रदान करते हैं, गलत तरीका है मालूम है गलत कर रहे हैं लेकिन उससे सुख क्यों मिलता है, उसका कारण यहां पे बताएंगे। सही ढंग अथवा केवल एक सर्वोत्कृष्ट सीमा तक करने के लिए आय केंद्र सक्रिय होता है और बहुत ही थोड़ा उत्साह ई और एस का शामिल होता है। कोई भी चीज आप सही तरीके से करोगे, आय केंद्र आपको क्या मैंने बताया था कि वो चीजों का सही आकलन करता है, सच्चा ज्ञान देता है, सत्व केंद्र कहा गया है उसे। तो जब हम सही तरीके से करते हैं तो आय केंद्र ज्यादा सक्रिय होता है और ई और एस केंद्र का उत्साह क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा हाँ उथला उत्साह, हाँ ठीक है, क्योंकि आय केंद्र का उत्साह ज्यादा है तो हम सब सही तरीके करने की कोशिश करते हैं। लेकिन और जब हम गलत तरीके से करते हैं तो क्या होता है, आय केंद्र कम सक्रिय होता है और ई और एस केंद्र क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होते हैं। हालांकि 99% लोग ई और एस केंद्रों से काम करते हैं काफी हद तक, और थोड़ा सा उत्साह या सहभाग ज्यादा होता है किसके आए, तो 99% जो लोग आजकल के जमाने में रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं रेशो क्या है 2-4-8-2, यानी आय सिर्फ 2 है, ई 4 है, एस 8 है, तो 4 और 8 यानी 12, तो इसका प्रमाण ज्यादा है। तो 99% जो लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं वो ई और एस केंद्र का ही उत्साह होता है, उसी में उनको क्या आता है, सुख मिलता है। आय केंद्र जो करता है उसमें उनको सुख नहीं मिलता है। और सही ढंग से करना यानी आय केंद्र ज्यादा डॉमिनेटिंग है, ई और एस का कम उत्साह है, इसलिए हमको उसमें रुचि आती नहीं है, उस सुख की संवेदना मिलती नहीं है, इसलिए हम वो करना नहीं चाहते हैं। मनुष्य का पूरा जीवन, सभी मनुष्यों के भोग, सभी मानव सुख अधिक संलग्न है अंदर की भावनात्मक और सेक्स प्रतिक्रियाओं से बौद्धिक के मुकाबले। जो भी हमें मजे मस्ती करते हैं ना, हम लोग पार्टियां करो, इधर जाओ, पिकनिक में घूमने जाओ, उसमें आपका इमोशनल केंद्र और एस केंद्र को ज्यादा उत्तेजना मिलती है, आय केंद्र को उससे उत्तेजना नहीं मिलता। आय केंद्र तो सच्चाई बताता है हमें, सच्चाई क्या है, तो इसमें क्या लिखा है, मौज मस्ती है, इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है, तो ये बताने वाला है आपका आय केंद्र। लेकिन जब मौज मस्ती करते तो आय केंद्र बेचारा सक्रिय होता ही नहीं है, ई और एस केंद्र क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। कुछ तो सक्रिय करते हैं आय केंद्र को, वो दूसरी अति पर चले जाते हैं, जो कोई जबरदस्ती आय केंद्र को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं वो दूसरी अति पे चले जाते हैं और वो दबा देते हैं क्या, ई और एस केंद्रों की भावनाओं को, यानी ई और एस केंद्र की जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको जबरदस्ती दबाया जाता है। तो आय ऐसा भी नहीं करना है कि आय को इतना जबरदस्ती स्ट्रांग करो कि ई और एस को दबाओ, वो भी सही तरीका नहीं है। इसलिए आदत को बदलना पीड़ादायक होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि को ज्यादा कार्यान्वित होना होगा और भावना और सेक्स को कम। तो आदत को बदल क्यों नहीं सकते हम लोग, कितना लोग कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग पीते हैं, पैकेट पे छपा है, कैंसर का फोटो छपा है, उसके ऊपर कैंसर होती है, और ये प्रूव हो चुका है कि सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको से आपका गले का मुंह का कैंसर हो सकता है, फिर भी क्यों पीते हैं लोग, क्योंकि वो जो सुख मिलता है, किसको सुख मिलता है, क्योंकि आपका ई और एस केंद्र क्या है वहां पे, उसको आनंद आता है, तो वो आदत को हमें छोड़ने देता ही नहीं। हमारा आय सेंटर पूरा क्या है, उनके दबाव के अंदर पूरी तरह से दब चुका है, इसलिए हम आदत को बदलते नहीं है। शरीर के सुख ज्यादा गुंथे हुए होते हैं केवल सेक्स और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के इर्द गिर्द, जो भी हमारे शरीर के मस्त जिनको आनंद आता है, सुख आते हैं, जो भी यानी जो भी हम ऐश और आराम से जिंदगी जीते हैं उसका पूरा उस समय में आपका ई और एस केंद्र ही समझो उत्तेजित है, इसलिए हमें उसमें ज्यादा आनंद आता है। इसलिए ऐसा कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसको, अर्जुन को कह रहे हैं, गीता से बहुत सारे श्लोक बीच बीच में लेते हैं डॉक्टर सहजी, लेकिन वो पराक्रमी
अर्जुन को कह रहे ओ पराक्रमी उनको चढ़ाते ऊपर, है ना। जो सही तरीके से ध्यान से देना, जो सही तरीके से समझता है कार्य से संबंधित गुणों को, जो सही तरीके से समझता है कार्य से संबंधित गुणों को, वो कर्म के साथ संलग्न नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि ये खाली गुणों की आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया है। ये जो IES है इसी को ये कहते हैं त्रिगुण। क्या कहते हैं? त्रिगुण, रजस यानी सत्व, रजस और तमस। तो जो क्या कह रहे हैं यहां पे, जो सही तरीके से समझता है कार्य के संबंधित गुणों को, वो कर्म के साथ कभी संलग्न नहीं होता है, वो कर्म भी ज्यादा इन्वॉल्व होता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है, वो देख पाता है कि जो मैं कर रहा हूं ये गुणों का खेल है। क्या है ये? सत्व रजस और तमस गुणों का क्या है? आपस में खेल है, आपस में वो डोमिनेट करते हैं। इसलिए बता रहे हैं गुणा गुणेशु वर्तन्ते, यानी गुण आपस में खेल रहे हैं और जो इनसे लिप्त हो जाएगा वो देख जाएगा, अरे ये तो गुण आपस में खेल रहे हैं, मैं क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूं? तो फिर उससे क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल सकता है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये मेरे से अंदर गुण है, रजस ज्यादा है या तमस ज्यादा है, यानी ई और एस ज्यादा है, जो मुझे ये क्या करा रहे, ये चीजें करा रहे हैं, मैं करना नहीं चाहता हूं, मेरा सत्व गुण तो कहता है इसको करो मत, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि गुण क्या कर रहे हैं, आपस में खेल रहे। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है। आगे बताते हैं और इस पर और विचार करना आवश्यक है कि क्या ये सही कृत्य है, क्या ये गलत कृत्य है, क्या ये अकृत्य है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत रहस्यमय होता है। गहना कर्मणो गति, क्या बोलते हैं ये गीता का 4वें अध्याय का 17वां श्लोक बता रहे हैं कि कर्म की गति क्या है, बहुत ही न्यारी है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही कृत्य है, क्या गलत कृत्य है, क्या अकृत्य है, या कोई कृत्य ही नहीं है बरोबर से, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। और वो हम नहीं समझ पाते हैं सही और गलत में डिफरेंस, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार गलत काम कर जाते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे में रजस और तमस यानी ई और एस केंद्र की मात्रा ज्यादा है, जो आय केंद्र को दबा देती है, इसलिए हमें समझता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। सिर्फ यह जानना काफी नहीं होता कि एक विशेष आदत गलत होती है। प्रतिरोध जो हम अनुभव करते हैं भीतर से, जब हम आदत को बदलते हैं, ये पराजित नहीं किया जा सकता इच्छा शक्ति से। अस्थाई जीत इच्छा शक्ति के लागू करने से आखिरकार हमें और ज्यादा लिप्त कर देती है उस आदत में। जबरदस्ती हम कर ही सकते, क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो और ज्यादा उस आदत में संलग्न हो जाओगे। ऐसी बार बार जब असफलताएं अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने करके बनाती है हमारी इच्छा को और ज्यादा कमजोर। जब हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम बार बार संकल्प लेते हैं, हम आज ये मेरे बर्थडे पे मैं रिजोल्यूशन करता हूं या न्यू ईयर रिजोल्यूशन करता हूं, कल से दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, कल से सिगरेट पीऊंगा नहीं, और फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से आप पीने लगते हो, तो फिर आप सोचते हो कि भाई मैं जो बार बार इतनी प्रतिक्रियाएं करता हूं उस सब को मैं उसको सफल नहीं हो पाता हूं, तो फिर आगे जाके क्या करोगे आप, कोशिश करना ही क्या करोगे, बंद कर दोगे। इसलिए जबरदस्ती करना पॉसिबल नहीं है। जबरदस्ती करोगे तो उसमें और संलग्न हो जाओगे और फिर हमेशा के लिए डिप्रेस हो जाओगे, फिर कभी उसके लिए कोशिश करेंगे ही नहीं इंसान, फिर बोलेंगे हमसे तो होता ही नहीं, हमारा तो मन बहुत ही कमजोर है, क्या करें, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम तो पी लेते हैं। तो इसलिए जबरदस्ती करना नहीं है, सुधारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करोगे तो इसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं। या हमें अपनी आदतों को सुधारने या अपने को बेहतर करने के विचार को छोड़ने की तरफ ले जाती है, यह स्वाभाविक है सही तरीके की पद्धति के अभाव में, क्योंकि हम सही तरीका जानते नहीं है और हम जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर पाते हैं, हमेशा उसमें विफल रहते हैं, फेल हो जाते हैं, और जितनी बार फेल होंगे उतना ही ज्यादा हम उससे दूर होते जाएंगे और फिर कभी उसकी कोशिश ही नहीं करेंगे हम अपने को बदलने की। मनुष्य निर्मित हुआ है एक तैयार उत्पाद की भांति नहीं, लेकिन बनाया गया है कुछ समृद्ध क्षमताओं के साथ और उसे ज्ञान और जागरूकता की पहुंच दी गई है जो कि फलदायी साबित हो सकता है आगे विकसित होने में और उस अवस्था तक पहुंचने में जिसके लिए वो मूलभूत तक निर्धारित किया है। हमें बनाया गया है कुछ लक्ष्य के लिए, हमारा जन्म हुआ है कुछ लक्ष्य को हासिल करने के लिए और हमें उसके लिए सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सही तरीका मालूम नहीं है, इसलिए हम उस लक्ष्य की तरफ जा नहीं पाते। यही बहुत प्रॉब्लम है मनुष्य के साथ। इसका मतलब है मनुष्य को दी गई है एक विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्रता जिसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति से वो इनकार करता है।
मनुष्य को प्रकृति ने एक विशेष दान दिया है, एक हमको कोई बोल रहा ना एक फ्री विल दिए इंसान को, हर एक इंसान को प्रकृति ने दिए, लेकिन हमको यहाँ पे उसके बारे में जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते अपनी आदतों को बदलने के लिए। इस महान विश्वास की पूर्ति के लिए मनुष्य को दी गई है इच्छा, ताकि उसके कृत्य प्रतिबिंबित करें भगवान की सार्वभौमिक इच्छा कानून और मन को। यानी हमको प्रकृति ने ऐसी चीज दी है जिसको कहते हैं मुक्त इच्छा, फ्री विल, जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम जो भगवान की नेचर है, जो भगवान का मन है, उसको हम प्रतिबिंबित करेंगे, यानी उसका रिफ्लेक्शन हमारे में अंदर आएगा। यानी इंसान खुद क्या हो सकता है, वो भगवान हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, ईश्वर और कोई नहीं है, इंसान की ही प्रगत अवस्था क्या कहलाती है, ईश्वर हम सबको दिया गया, लेकिन हमको उसका जानकारी नहीं है, या जानकारी होने के बाद क्या होता है और क्या होता है, स्वतंत्र रूप से चयन कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि उसके पास जानकारी नहीं है, मनुष्य क्या होता है इसलिए घमंड में गिर जाता है, क्योंकि उसको अज्ञान है कि मेरे अंदर ही क्या है वो शक्ति है और मैं ही उस भगवान का स्वरूप बन सकता हूं। जब उसको ऐसी जानकारी मिलती भी है तो फिर उसका क्या हो जाता है, उसमें घमंड में आ जाता है कि मैं बहुत ही क्या हूं, शक्तिवान हूं। और जब घमंड में आ जाता है तो क्या हो जाता है, जब उसकी इच्छा को समाप्त कर दिया गया और उसके कलह का रास्ता जो, यानी जब इंसान घमंड में आ जाता है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, तब उससे वो शक्तियां क्या आ जाती है, छीन ली जाती है, और फिर इंसान कलह में यानी दुखों में गिर जाता है, और फिर क्या होता है, दुख और दर्द, स्वार्थ और दुर्दशा, अज्ञान और घृणा, निराशा और अविश्वास ने तब उसकी जिंदगी को जहर बना दिया। जब वो अज्ञान में गिर गया, जब वो अहंकार में, अज्ञान की वजह से क्या किया, अहंकार में गिर गया, तो उसकी जिंदगी क्या हो जाती है, बिल्कुल दुखमयी जिंदगी हो जाती है। मनुष्य अपने विश्वास में या तो ईमानदार है, अर्थात अपनी मुक्त इच्छा को होने से इनकार करने में, क्योंकि वो वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं। यानी क्या है, मनुष्य अपने विश्वास में या तो ईमानदार है, अर्थात अपनी मुक्त इच्छा होने से इनकार करने में, क्योंकि वो वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। वो ईमानदार तो है कि भाई वो उसको पता नहीं, लेकिन उसको पता नहीं इसलिए, यानी अज्ञान की वजह से वो ईमानदारी से समझता है कि मुझे एक मुक्त इच्छा शायद दी नहीं भगवान ने, या दूसरा क्या होता है, अथवा वो ईमानदार नहीं है उसकी मुक्त इच्छा से इनकार करने में, क्योंकि वो शुरू करने के लिए बेचे हैं एक नया सिद्धांत या एक पंथ। तो या तो उसको ईमानदार है, उसको मालूम ही नहीं है, अज्ञान है कि मुझे क्या है, ये मुक्त इच्छा दी गई है जिसका मैं इस्तेमाल करके क्या हो सकता हूं, वो भगवान के रूप बन सकता हूं, ईश्वर तत्व मुझ में आ सकता है। हाँ, या तो उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो ईमानदार तो है क्योंकि वो जानकारी नहीं है, या तो जानकारी होने के बाद भी वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि ऐसा करेंगे तो वो अपना पंथ कैसे चलाएगा। यानी जो पंथ चलाने वाले लोग होते हैं ना, उनको मालूम है कि भगवान ने हमको मुक्त इच्छा दी है, फिर भी वो लोगों को उसके बारे में बताते नहीं है, वो जबरदस्ती लोगों के ऊपर वो थोपने की कोशिश करते हैं, जो कि वो कभी फास्ट हो नहीं सकते। तो इस प्रकार से वो अपना नया सिद्धांत, नया पंथ खोलने के चक्कर में ये जानकारी होते हुए भी, ईमानदारी न करते हुए लोगों को वो बात बताता नहीं है। यदि मनुष्य अपनी महान विरासत से अवगत है और इसे प्राप्त करने के लिए काम करता है, तो वह निश्चित रूप से आज की तुलना में बेहतर होगा, और वो आज है जैसा वो है यह समझने योग्य है कि वह अपनी महान विरासत से अनजान है, अथवा कि वह इसके लिए लापरवाह है। यानी ये महान विरासत भगवान ने, प्रकृति ने मनुष्य को दी है, लेकिन या तो उससे अनजान है इसलिए उसका इस्तेमाल करता नहीं है, या तो भी वो उसके बारे में जानता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना चाहिए कि कोई भी जबरदस्ती तरीका हमारे कमजोरियों को दबाने का कभी काम नहीं करेगा। हमें भगवान ने मुक्त इच्छा दी है, लेकिन मुक्त इच्छा का इस्तेमाल तब कर पाएंगे जब हम सुधारात्मक तरीकों को योग्य तरीके से अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, और अपने जो रेशियो है IES का, उसको हम बदलेंगे। और वो बदलेगा कभी, जब ये जो सांकेतिक आवेग आते हैं जो हमारे ब्रेन को हिट करते हैं और जिससे विचार निर्मित होते हैं, उसके ऊपर जब हम नियंत्रण लाएंगे, जिसको क्या कहते हैं योग की भाषा में जेन योगा, यानी जेन योगा का इस्तेमाल करेंगे, इनके ऊपर नियंत्रण लाएंगे, तो हम अपने मूल अनुपात को यानी रेशियो को चेंज कर पाएंगे, जिससे हमारे को मुक्त इच्छा इस्तेमाल करने का स्वतंत्रता मिलेगी, और फिर हमारा जो जीवन होगा वो प्रयास रहित हो जाएगा, यानी कोई इफर्टलेस जीवन हम जी पाएंगे बिना किसी तकलीफ के।
उसे अपनी प्रारंभिक जड़ता को दूर करना होगा एक नया जीवन जीने के लिए, बशर्ते इसका मतलब है शुरुआत में थोड़ी मेहनत, इसका मतलब है कुछ अनुशासनों का पालन। यानी स्टार्टिंग में देखो हर एक चीज को करने के लिए मेहनत लगती है, ये ड्रिफ्ट वॉचिंग करना, ये नींद को नियंत्रण करना, ये भोजन को नियंत्रित करना, ये श्वास को नियंत्रित करना, ये सेक्स को नियंत्रित करना, ये इतना आसान नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत ही क्या लगेगा आपको, अनुशासन लगेंगे, बहुत ही मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार उसकी आदत आपको पड़ गई तो फिर आगे जाके कोई तकलीफ होने वाली नहीं, बिकॉज सभी जो आवेग आएंगे आपके अवेयर में आपका उसके ऊपर क्या होगा, नियंत्रण होगा, और नियंत्रण होगा तो फिर कोई भी इच्छा शक्ति से कुछ दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप उसको पालन कर पाओगे बिना किसी तकलीफ के। और फिर भी मनुष्य तैयार है गुजारने के लिए कम से कम, यानी यहां पे बोलते हैं कि एक बार आपको आदत पड़ गई तो आपको कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन बचपन से हम क्या, यानी अभी थोड़ा एफर्ट डालना है इस दिशा में जो नया तंत्र हमने सीखा है, लेकिन मनुष्य बचपन से क्या करते आ रहा है, मनुष्य तैयार है गुजारने के लिए कम से कम 15 साल प्रतिदिन 6 घंटों की दर से महज प्राथमिक और उच्च विद्यालय की शिक्षा, यानी प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, 15 साल लगते हैं वहां पे हम सीखने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे एफर्ट डालने के लिए हमको तैयारी नहीं है। और क्या ज्यादा आपत्तिजनक है कि इन सालों के दौरान, यानी जब हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं, सिर्फ कुछ हजार टेप रिकॉर्डर के समान विचार सांचे सीखे जाते हैं, यानी फिक्स पैटर्न होता है ना, ये बोर्ड आपका ये सिलेबस है, 9th स्टैंडर्ड का ये सिलेबस, ये पढ़ना है, ये बस इतना क्वेश्चन आएगा इसका आंसर करना है, बस ये कुछ फिक्स टेप रिकॉर्डर के जैसे विचार होते हैं जो पहले से रिकॉर्ड किए, आजकल तो सब सुविधा है कि आपने रिकॉर्ड कर दिए लेक्चर्स, वही आपको क्या करना है, सुनना है, और वो एग्जाम में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो कुछ हजारों रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डर के समान विचार सांचे हम लेते हैं अंदर, जो बाद की जिंदगी में फिर से चलाए जाते हैं जैसे किसी स्वचालित रिकॉर्ड प्लेयर। तो उस जमाने में डॉक्टर सहर्जी ने 1976 में किताब लिखा है तो ग्रामोफोन प्लेयर था, आजकल बोलेंगे MP3 प्लेयर, CD प्लेयर, वगैरह वगैरह बहुत सारी एडवांस आ चुकी है। तो उस पे जैसे आप चलाते हो, बस कुछ सुना हुआ है उसी को चलाते हो, उसको सुनते हो और उसको रिप्रोड्यूस करते हो। कुल समय ध्यान से सुनना, एक इंसान की औसतन जिंदगी में जो खर्च किया जाता है वास्तविक स्वतंत्र सोच में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट अपनी पूरी जिंदगी में, या यहां तक कि ये भी संदिग्ध है, यानी डाउटफुल है कि आदमी सिर्फ कुछ टेप रिकॉर्डर जैसे विचार सुनता है, वही ज्ञान संचित करता है और उसी को रिप्रोड्यूस करता है, बस जिंदगी ऐसी चलती आ रही है जो भी पढ़ाई की है। अलग से बैठ के स्वतंत्र विचार करना, जैसे ड्रिफ्ट वॉचिंग में हम करते हैं, एक विचार को लेते हैं उसके ऊपर हमको मन को क्या करते हैं, बहने देते हैं, शायद ही जिंदगी में कोई करता है, और शायद भी डाउट बोले कोई एक मिनट भी कोई करता होगा ऐसा, कि अंदर के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर विचार करना, कोई इसके ऊपर विचार करता नहीं है। अगर मनुष्य जीने की जिद करता है इस प्रकार की जिंदगी को, खैर उसकी कोई भी मदद नहीं। अगर हमने पहले ही सोच के रखा है कि हमें ऐसी जिंदगी जीना है, बस जो सिखाया गया है उसी को हम करेंगे, अंदर हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं, तो मनुष्य की कोई मदद कर नहीं सकता। यहां तक कि भगवान और प्रकृति भी ऐसा है, क्योंकि तब वे भी अपनी इच्छा उस पर थोप नहीं सकते, है ना, उन्होंने उनको मुक्त इच्छा दे दी है, अब जबरदस्ती उसके वो थोप नहीं सकते कि भाई तू ऐसा पैटर्न चेंज कर, और जो अपना अंदर को देख, आत्मा चेतना का इस्तेमाल कर, जो देखो दी गई है, जो तू कभी उसका इस्तेमाल करता ही नहीं है, सिर्फ साधारण चेतना के स्तर पर तू अपनी जिंदगी को गुजार रहा है बिना अवलोकन किए कि हमारे भीतर क्या चीजें हो रही है। हम इंसानों ने अदला बदली कर दी है हमारी मुक्त इच्छा को कुछ अर्थहीन सुखों के लिए, जो लंबे समय में हमें दर्दनाक और हानिकारक पाते हैं, यानी कुछ अर्थहीन सुख है, कुछ विशेष सुखों के लिए, बस ये पार्टियों का सुख, ये घूमना फिरना, इसी के लिए हम लोग पूरा दिन अपना जिंदगी गुजार दिए, यानी अर्थहीन सुख है जिसमें कोई अर्थ नहीं है, जो परमानेंट है ही नहीं, टेम्पररी चीज है, टेम्पररी चीजों के लिए हमने जो परमानेंट जो हमारे वो सुख दे सकती चीजें उनको क्या किया, हमने त्याग दिया है। हम बनाए गए हैं परम आनंद का मजा लेने के लिए, लेकिन हम सुख को खोज रहे हैं। सुख अधिक स्पष्ट होता है और आसानी से प्राप्त होता है खुरदर होने के कारण, अथवा क्योंकि कम से कम प्रतिरोध की रेखा होती है, अथवा ई केंद्र और एस केंद्र का मुख्य रूप से उसमें इस्तेमाल होता है। तो अल्टीमेटली ये जो सुख देने वाली चीजें हैं जिसके पीछे हम इंसान भागते रहता है, उसमें ई और एस केंद्र का सहभाग होता है, इसलिए हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। मनुष्य देखने की परवाह नहीं करता सुखों की सतह के नीचे क्या है, यानी जो सुख आपको टेम्पररी सुख दे रहे हैं उसके नीचे दुख छुपा हुआ है, उसकी तरफ हम कभी ध्यान
देते नहीं, क्योंकि आज जो सुख इतना अति भोग करोगे कल तकलीफ देने ही वाला है, उसे तकलीफें आने ही वाली है, इसके बारे में इंसान भूल जाता है। चलिए हम इस विचार को गंभीरता से सोचने के लिए लें, क्या कि क्या होती है भिन्नता, है ना, सुख और खुशी और आनंद में। सुख क्या है, खुशी क्या है और आनंद क्या है, इसमें क्या भिन्नता है, है ना, उसको देखें। सुख और खुशी आपके ई और एस का झंझट है, और आनंद यानी वो परम आनंद, वो आय केंद्र की वो अवस्था है जब हम इन चीजों से दूर हो जाएंगे। कौन से कृत्य प्रत्येक की तरफ लेकर जाते हैं, और इन सभी वर्षों के दौरान मैं किसकी ओर जा रहा हूं, किसकी ओर जा रहा हूं, सुख की ओर जा रहा हूं, खुशी की ओर जा रहा हूं या आनंद की ओर जा रहा हूं, इसके ऊपर कह रहे हैं डॉक्टर सहजी विषय अपना अध्ययन करें, बिकॉज यही आपको बताएगा कि कौन सा रास्ता हमें अपनाना है। तो यही पे आपको ये प्रूव होता है कि हम सुखों के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि हमें भगाया जाता है, क्योंकि हमारा भगवान ने जो मस्तिष्क का स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है जहां पे ई और एस केंद्र का क्या है, ज्यादा डोमिनेंस है, वो डोमिनेटिंग है, इसलिए हम लोग को वो सुखों के पीछे भागते हैं। तो आज के बाद खुद को माफ कर दो, अगर आपने कुछ ऐसा किया भी है कि कुछ आदत आपसे छूटती नहीं है तो थोप दो इनके ऊपर कि मैंने क्यों नहीं छोड़ी आदत, क्योंकि मेरे ई केंद्र और जो एस केंद्र बदमाश लोग बैठे हैं हमारे अंदर, वो बदमाश लोग हमें क्या करते हैं, हमारे आदत को, यानी हम क्यों आकर्षित होते हैं, थोड़ा भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन सामने आया तो हम उसको क्यों चाहते हैं कि मुझे मिले, एक पेड़ा मिले बोलते हैं और एक पेड़ा मिले, हो सकता है तो, है ना, क्यों बोलते हैं, जो चीजें हमको अच्छी लगती है उसके पीछे हम क्यों भागते हैं, क्योंकि हमारे भगाने वाले हमारे दो दुश्मन बैठे हैं जो प्रति पल हमारे आय केंद्र का विरोध करते हैं। आय केंद्र कभी नहीं जाता है दारू पियो, आय केंद्र कभी नहीं जाएगा आपको कि आप सिगरेट पियो तंबाकू खाओ, लेकिन फिर भी हम वो कृत्य कर जाते हैं, बिकॉज वो जो सुख टेम्पररी मिलता है इन दो केंद्रों की वजह से मिलता है। अब इन केंद्रों के ऊपर अगर हमको नियंत्रण लाना है तो उन सभी आवेगों के ऊपर हमको नियंत्रण लाना पड़ेगा जो इस चैप्टर में बता डॉक्टर सहजी बता रहे हैं कि किस प्रकार से अंदर कोडेड इंपल्स आते हैं, उसी के ऊपर अगर आपने नियंत्रण कर लिया, जिस शास्त्र का नाम उन्होंने रखा है ज़ेन योगा, तो हम क्या हो जाएंगे, इन आवेगों को नियंत्रित कर पाएंगे और अपने आप देखोगे कि अपने आप आपका ई और एस केंद्र शांत होते जाएगा, और जो आदत आपको बिल्कुल आकर्षित करती थी उसका कोई आकर्षण रह नहीं जाएगा, और वही होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करोगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन रोज उसको देखोगे कि ये क्या गुणा गुणेशु वर्तन्ते, वो जान रखना कि गुण आपस में क्या कर रहे हैं, ये सत्व रजस तमस गुण आपस में खेल रहे हैं, मैं तो सिर्फ साक्षी भाव से क्या कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं। तो गुणों का खेल देखोगे तो समझ जाओगे कि भाई रजस और तमस ज्यादा है सत्व कम है, मुझे सत्व को क्या करना है, बढ़ाना है, और फिर उसी के डायरेक्शन में जाओगे। तो ये जो नींद को नियंत्रित करोगे ना, तो उस दौरान जो घंटे बचाओगे उसको इस अभ्यासों में लगाओगे, नहीं तो आज कहो आपको कि थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो आगे जाके हम सीखने वाले हैं उसका अभ्यास करो रोज आधा घंटा, करते ही नहीं, समय नहीं है हमारे पास, क्यों, क्योंकि हम सारा दिन भोगों के पीछे लगे पड़े या सारा दिन नींद के कुछ गलत घंटों में हम सो रहे हैं, जिसके कारण हमारा दिन भर क्या होता है, मन बहते रहता है। और जो गंभीरता पूर्वक जो बता रहे हैं, इस विचार को गंभीरता पूर्वक सोचो, हर एक सेंटेंस में लिखा है चैप्टर के एंड में, अरे आइए हम इस विचार को गंभीरता से सोचें, गंभीरता सोचें यानी क्या कि गहरा अध्ययन कर सोचें उसके ऊपर, अपने मन को उसके ऊपर बहने दें, और फिर कैसे देखें कि कैसे मन अनेक विचार और लाता है, जिससे आप समझ पाओगे कि आपके अंदर कौन सा दुश्मन ज्यादा है, ई या एस, उसको नियंत्रित कर पाओगे। तो ये करते ही नहीं लोग, वही बता रहे ना कि हम कुछ फिक्स टेप रिकॉर्डर जैसे थॉट्स हमारे जिंदगी में संचित करते हैं जो बचपन से सीखते आए स्कूल कॉलेज में अपने टीचर्स के माध्यम से, लेकिन ये ज्ञान किसी ने दिया नहीं है कि अंदर का अवलोकन करो, उसके लिए समय कोई देता ही नहीं, और अगर आप रोज 10 मिनट दे रहे हो यानी कितने प्रगत हो गए हम, या तो कह रहे हैं कि कुछ जिंदगी भर कोई 1 मिनट भी देता नहीं समय, और हम रोज 10 मिनट अपने मन को देख रहे हैं कि किस प्रकार मन के अंदर कैसे कैसे भाव आ रहे हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इनके ऊपर नियंत्रण करना है, इनके ऊपर नियंत्रण आ गया तो फिर ध्यान में ऐसे बैठोगे प्रयास रहित प्रयास हो जाएगा, बैठे और जैसे भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं, कहां पे भी बैठे कोई भी आगे जाके डिस्टर्ब करे उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि उनके केंद्र क्या है, सब
शांत है, जो IES का रेशियो है वो एकदम संतुलित है, और वही करना है, और वही करने के दिशा में हमें डॉक्टर सहजी यहाँ पे आगे लेके जाएंगे। अब कल का चैप्टर होगा आध्यात्मिक स्तर, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आठवां चैप्टर है इसका, इस कोर्स का, वो बहुत ही बढ़िया आपको आगे, अभी आपको कह रहा, आपको मैंने कहा ना धीरे धीरे हम लोग वो CCS की तरफ जाएंगे, तो CCS की तरफ कैसा मार जाएगा उसके बारे में हम आगे कल के या तो अगले व्याख्यान में समझेंगे। हरिओम, हरिओम।